आज के वीडियो में देखिए मेरी आंटी जो कि भीगे हुए अखरोट लेके आई, साथ के साथ वो ये रोटी भी लेके आई जिसको कहते हैं गिड्डा या टकटच। तो हम चले बिटिया को स्कूल छोड़ने। तो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रॉक विद मी। सो रॉक तो हमने बड़े दिन से किया नहीं, क्योंकि कल का दिन भी बड़ा बिजी था यार, ऑफिस का इतना काफी सारा काम होता है और शाम तक तो मैं थक टूट के ना हो गया था मेरा थक टूट के मैं हो गई थी डुश। फिर मैंने बस हमें आराम से बैठे, हमने चाय पी, खाना वाना खाया, फिर ये हिल रहा है बेटा बहुत। मैंने फिर फाइनली मैंने ले लिया है फोन होल्डर, तो इट्स कन्वीनियंट, आई एम लविंग इट। It's very distracting because it's the first time I've kept something like this. But convenience. You know, गाड़ी जब से गाड़ी ली है ना, मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी एक्सेसरी ली होगी गाड़ी के लिए, because I don't like it. कोई टिश्यू होल्डर नहीं, सिर्फ गणपति है, that's it. जैसे कुछ लोग गाड़ी को बहुत ज़्यादा सजा के रखते हैं ना, तो ये मेरे को बड़ा पसंद है। वैसे वो माइक जो आता है या फिर वो डॉगीज या फिर वो बॉल्स लगा के रखते हैं, यू नो आई कांट पुट दैट, मतलब हाँ अपनी अपनी चॉइस होती है, बट अच्छा लगता है दूसरों की गाड़ियों को देख के सजी हुई। कुछ लोग लिखवा लेते हैं पीछे नाम, और तो मैं नहीं लिखवाती, बड़ी बोरिंग हूँ, बट मुझे अब लगता नहीं क्योंकि बड़ी हिम्मत चाहिए। जैसे कि मैं व्लॉगर्स को देखती हूँ, बड़ी हिम्मत चाहिए कि यू नो व्लॉगिंग करना, टाइम निकाल निकाल के बीच बीच में से, यू नो इन केस यू आर फुल टाइम वर्किंग, इन केस यू आर नॉट देन आल्सो यू नो इट्स अ बिग डे, तो आप वीडियो बनाओ, फिर उसको यू नो एडिट करो, ट्रिम करो, उसको एडिट करो, उसमें स्टफ और डालो, इट्स अ बिग डे एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ justice. तो धीरे धीरे सीख जाऊंगी, मे भी धुरंधर हो जाऊंगी किसी दिन, अभी तो न्यू ही हूँ तो, और बहुत कम लोग देख रहे हैं अभी मुझे, कब देखेंगे हजारों में मुझे लोग पता नहीं, बट आएगा वो दिन भी आएगा। बस चले हैं हम स्कूल छोड़ने बच्चे को, वैसे बन जा रहे हो, प्लीज शांत मन बनो यार, थोड़ा बोला बोला करो थोड़ा। अच्छा चलो ठीक है, अभी मन बोलो। सो दिस इज अबाउट द स्टार्ट ऑफ द डे, ये सो वी हैव रीच्ड, ओके बेबी चलो बाय। जेब्रा क्रॉसिंग से थोड़ा सा आगे खड़े हो रहे हो अगर आप रेड लाइट पे, तभी चलाना है। अगर आप उस लाइन से आगे खड़े हो रहे हो जो स्टॉप लाइन है, उसका भी चलाना है। सो
बट ठंडा ठंडा है थोड़ा सा, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है, लेकिन वो भी दिन दूर नहीं जब हो जाएगी बहुत सी गर्मी, फिर एसी के बगैर रहा ही नहीं जाएगा। थोड़ा बाहर का नजारा भी देख लीजिए, आज भी घास पे चलना चेक। अभी हो जाता फोन का चेक, फोन गिर जाता, आदत नहीं है ना, धीरे धीरे डल रही है आदत फोन को ऐसे पकड़ने की। तो हम चले ऊपर, आज पता नहीं क्या हुआ, कल नज़र लग रही लगता है, आज चिड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही, तो आज ना कोई कोई भी बर्ड की आवाज़ नहीं आ रही, आपको बैकग्राउंड में आ रही है नहीं आ रही ना, और कल मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी इनकी। चलिए अब ऊपर चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो आज फिर से बन रहे हैं दाल के चीले, और उसमें बेसन नहीं डाला है मैंने, सिर्फ ये येलो और ऑरेंज वाली दाल है भिगो के रखी थी रात को, उसमें मैंने लहसुन डाल दिया, मिर्ची, धनिया, नमक, लाल मिर्च एंड और काली मिर्च डाल दी, और बेसन नहीं डाला इस बार, फिर भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो वन इज डन and another one on the way. Okay. So हम enjoy करते हैं दाल के चीले और आप enjoy कीजिए। सॉरी ब्रेकफास्ट के बाद बिजी हो गई थी तो नेक्स्ट डे की वीडियो डाल रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ बना ही नहीं पाई थी। तो वेलकम बैक टू लेट्स रॉक विद मिनी, और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं छोड़ आई हूँ बिटिया रानी को, और आज मेरे पति देव फिर से टूर पे गए हैं, तो मैं और मेरी सासू माँ करेंगे फन। कल मम्मा ने बनाए थे वाइट छोले, तो मम्मा बनाती है बहुत अच्छे वाइट छोले, चाय पत्ती डाल के वो काले हो जाते हैं बिल्कुल, जैसे छोले भटूरे के साथ होते हैं ना वैसे वाले, तो वो छोले बनाए थे और उसके साथ चावल थे। बट क्योंकि हमारी बिटिया रानी ने कल नहीं खाए, वो मैडम कहते हैं मुझे नहीं खाने, मुझे तो पाव भाजी खाने है, तो मुझे परसों बनाई थी, सो आई डोंट नो, शी जस्ट लव इट, तो उसको दो तीन दिन वही खिला दो, कहती मम्मा रोज ही वही बना लो। तो आज हम फिर सोच रहे हैं छोले के साथ या तो पूरी खाएंगे या फिर रोटी खाएंगे। और बेटे से बात हो गई है, अभी वो यूनिवर्सिटी में ही था और रात को 10:30 तक पहुँचेगा घर। आप भी सुनिए।
सारा सामान हाँ सिर्फ वो तो जो छोले कुलचे वाले होते हैं वो तो सिर्फ छोले उबले हुए ले जाते हैं ना, और जाके फिर जो जैसे जैसे ऑर्डर मिलता है और वैसे वैसे वो फिर उसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च धनिया मिर्ची सब ऐड करके नींबू शिंबू डाल के फिर हमें देते हैं ना इन द मॉर्निंग। और चलो आज कबूतर उड़ाते हैं, ये और ये उड़ गए। कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करने में बहुत मजा आता है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? ये होता है जब आप किसी अपने से फरमाइश करो और नेक्स्ट डे ही बन के आ जाए। आ गए सोक्ड अखरोट। थैंक यू आंटी, थैंक यू, थैंक यू आंटी, थैंक यू। देखो आप शर्माओ मत यार, आप इतने ब्यूटीफुल हो एज इट इज, सो व्हाट। ये देखो ये भी सो के उठी है। मैं नहीं सोई हूँ, मैं फिर भी ऐसी लग रही हूँ। जो मांगा था उससे एक्स्ट्रा मिला मुझे। कश्मीरी क्या कहते हैं इनको? अखरोट। इनको ये कहते हैं टकटिच। टकटिच पहली बार खा रही हूँ आंटी। थैंक यू आंटी।